पेट्रोल के विरोध में धरना प्रदर्शन आज दिनांक 11 जून 2021 को नगर कांग्रेस कमेटी खुडाला फालना के सानिध्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सोमेंद्र गुज्जर एवं चंदन सिंह राजपुरोहित की उपस्थिति में नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक सेन, नगर पालिका खुडाला फालना के उपाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल के सानिध्य में फालना स्थित खालसा पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सिलेंडर और सीएनजी की कीमतें बढ़ाने और सब्सिडी बंद करने के मामले में केंद्र सरकार को घेरा। केंद्र सरकार की ओर से महंगाई नीति ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से इनकी कीमतें कम करके जनता को रियायत देनी चाहिए। इस कार्यक्रम के नगर पालिका पार्षद भरत चौधरी, नीलम बचेटा, हिम्मत बचेटा, पूर्व पार्षद हेमाराम चौधरी, अनिल बेरवा, कांतिलाल मेघवाल, नगर कांग्रेस कमेटी बाली के अध्यक्ष अकरम कुरैशी, वशिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता वेलाराम मेघवाल, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेश राजपुरोहित बारवा, नारायण मेघवाल, पार्षद प्रत्याशी दीपक गुज्जर, संजय राणा, डायरन नीम मीणा एवं सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अशोक सेन, अध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी खुडाला फालना। घानेराव चिकित्सालय टीम व सर्वे टीम चामुंडा कॉलोनी चारबुजा की ढानी चारबुजा नाड़ी पर घर घर जाकर नरेगा मजदूरों को कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर प्रेरित किया गया। इस दौरान चिकित्सक राजेश दवे, प्रमोद गढ़वाल, स्वास्थ्य कर्मी सैफ अली खान, LSV शशिकला, वार्ड पंच शरीफ बेग, शिक्षक जेम्स मैथ्यू, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहनाज बानू, आशा छगन कंवर, शहीदा बानू, सहायिका सुशीला कंवर आदि मौजूद थे। आज बाली ब्लॉक के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हितेंद्र वागोरिया के आदेशानुसार बीजापुर चिकित्सक डॉक्टर निकिता बनवाल के नेतृत्व में कुंडावल, दानवल्ली, कोरवा व गोरिया गांव में 18 से 44 व 45 प्लस साल के लोगों का ANM मीना कुमारी, मेल नर्स फिरोज अली, प्रकाश गर्ग, पंचायत सहायक भरत चौहान व रिंकू के सहयोग से लगा COVID-19 वैक्सीनेशन। भरत चौहान, प्रकाश गर्ग व मीना कुमारी ने लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया, जिससे काफी लोगों ने टीकाकरण करवाया। सभी गांव के लोगों ने बीजापुर टीम का आभार व्यक्त किया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती मांगों को लेकर पाली में कांग्रेस ने किया अनूठा प्रदर्शन। पाली 11 जून 2021 कांग्रेस पार्टी के आज देश भर में केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों और खास तौर से पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर देशव्यापी आंदोलन के तहत आज पाली में कांग्रेस नेता मोटू भाई के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने अनूठा प्रदर्शन करते हुए स्कूटर को हाथ थैले पर लादकर मोदी सरकार के विरोध में नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस क्रम में पाली कांग्रेस जनों ने नगर परिषद से रैली के रूप में सूरजपाल स्थित सरोज पेट्रोल पंप पर मोदी सरकार का जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। दो महीने का बिजली और पानी के बिल माफ करने की मांग सिद्धावत। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कार्यवाहक उपखंड अधिकारी कन्हैयालाल मीणा को जिला युवा मोर्चा के महामंत्री देवेंद्र सिद्धावत के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला महामंत्री सिद्धावत ने बताया कि 2 माह के बिजली के और पानी के बिल माफ करने की मांग की एवं उन्होंने ये भी बताया कि देश एवं राज्य में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन से छोटे तबके के व्यापारी एवं रोज कमाने एवं रोज खाने वाले व्यक्तियों का धंधा पूर्ण रूप से चौपट हो गया है। उनके समक्ष आजीविका का चलाने का संकट खड़ा हो गया। उनकी विषम परिस्थिति को देखते हुए सरकार को अप्रैल तथा मई महीने का बिजली और पानी बिल को माफ करना चाहिए। उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अमित मेहता, रितेश अग्रवाल, कुणाल पवार, महिपाल सिंह अकड़ावास, ललित मालविया, नीलेश हरवानी, लविस कुमावत, कल्पेश शर्मा, किशोर मेवाड़ा, भरत मेवाड़ा, हितेश तोलानी आदि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद थे। दोस्तों के सामने रौब झाड़ने के लिए सोशल मीडिया पर देसी कट्टे के साथ अपना फोटो अपलोड करना एक युवक को पड़ा भारी। पुलिस ने इस युवक को आर्म्स एक्ट मामले में गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाल गौतम जैन के जवाहर नगर निवासी महिपाल सिंह पुत्र नरपत सिंह राजपूत एक फैक्ट्री में काम करता है। उसने सोशल मीडिया ग्रुप पर देसी कट्टे के साथ फिल्म स्टाइल में फोटो अपलोड किया। हथियार के साथ फोटो वायरल होने पर कोतवाली पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए महिपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया।